सो व्हाट्सअप यूट्यूब पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस दोबारा लेकर आ गए एक और मोस्ट डिमांडिंग कार। कार कौन सी है आपको फ्रेम में दिख रही होगी, हमारी कोरोला ऑल्टिस। पेट्रोल नहीं है, डीजल है भाई, डीजल कार जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कार की, कोरोला ऑल्टिस। क्यों? क्योंकि टोयोटा है तो रिलायबिलिटी की तो आप छोड़ ही दो, डीजल है तो एवरेज भी आप छोड़ ही दो। हर चीज़ अब परफेक्ट कॉम्बिनेशन भाई वो टोयोटा कोरोला ऑल्टिस डीजल आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आई है दोबारा कहाँ, ऑटो एम्पायर द ट्रस्टेड मार्केट प्लेस। लग्जरी कह लो, लग्जरी में भी कोई नहीं है, सेडान चाहिए जब भी कोई चीज़ नहीं है भाई, अ कंप्लीट पैकेज इन अ बजट एंड टोयोटा का ट्रस्ट। तो करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट और बताते हैं क्या डील रहने वाली है, क्या कमियां और क्या अच्छाइयां आपको कोरोला ऑल्टिस ऑफर करती है। सो स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। तो टोयोटा कोरोला ऑल्टिस डीजल आती है हमारी 1.4 सीसी फोर सिलेंडर डीजल टर्बो चार्ज इंजन के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 87 BHP, साथ ही 205 Nm ऑफ टॉर्क। सो काफ़ी लोग, एक चीज़ और बताऊंगा इससे रिलेटेड, काफ़ी लोग कहते हैं कि डीजल से मच बेटर है पेट्रोल लेना। हाँ, पेट्रोल आता है आपका 1.8, वो पावर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है, बट एवरेज के लिए चाहिए लोगों को तो भाई चीज़ आपके सामने खड़ी है। एवरेज जो हमारी स्विफ्ट आती थी ना DDIS इंजन के साथ, वही चीज़ आप ऑल्टिस से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अ लग्जरी प्रीमियम कार इन बजट। करेंगे गाड़ी के बारे में सारी डिस्कस, चलते हैं अभी। बाकी मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूं कार का, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए गाड़ी कैसी है ओवरऑल हमारी लुक में। GL वेरिएंट रहने वाला है, मींस डीजल का टॉप एंड मैनुअल में। वॉक अराउंड चेक करिए आप, ऑल ओरिजिनल है, छोटे मोटे डेंट्स हैं बट वो आपकी, मैं आपको शो कर देता हूँ, वो आपको ओरिजिनलिटी डिफाइन करती है कि कार स्टिल ओरिजिनल है। 2017 मॉडल है, ठीक है, GL वेरिएंट है। टायर कंडीशंस और चेक करा देता हूँ मैं आपको, देखिए टायर गुड कंडीशन, अलॉयज मिल जाते हैं, साथ ही फ्रंट से मैं आपको बात करते हैं तो फ्रंट में अपने बड़ी सी DRL मिल जाती है, ठीक है, और अपने LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साथ ही हेलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। सो टायर्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, कंडीशंस अलॉय भी चेकआउट कर लीजिए, ये होगी ओवरऑल बाहर के लुक की बात। अब चलते हैं अंदर और फिलहाल कुछ ऐसी आपको टोयोटा की ऑफर करती है ऑल्टिस के साथ, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली सीट्स मिलती हैं आपको, फ्रंट बैक रिक्लाइन एंड डिक्लाइन, ये आपका सपोर्ट बैक सपोर्ट। कार के अंदर आ जाते हैं, कार को करते हैं क्लोज एंड करते हैं स्टार्ट एंड सी। डीजल होने के बाद अप्रॉक्स फैन स्पीड स्लो, कार रन है 92,000 किलोमीटर्स, मींस अप्रॉक्स 100,000 ही चलगी, मतलब या फिर आप 90 कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उस हिसाब से देखा, नीट एंड क्लीन प्लस हाफ सेल्फ स्टार्ट, सो इसलिए कहते हैं रिलायबल मींस टोयोटा। अब इंजन वगैरह ठीक है, इंजन से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी आपको मींस लाइक ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि अब चली है तो ज़्यादा पकड़ हुई होगी, तो वो ये कुछ कमियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे है स्पॉटेड, ताकि आपको ईजी पड़े जज करने में या फिर आने में आपको परेशानी ना हो। बाकी थोड़ा सा ये गियर नॉब है, बाकी
ओल्ड ओरिजिनल जो है जैसा है आपको वीडियो में आपके सामने है। सो चलते हैं, अभी एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं और बताते हैं आपको बाकी इसके सस्पेंशन, एक्सेलरेशन, ब्रेक टेस्ट, सारी चीजें। बहुत ही प्यारा पिकअप है, मतलब बहुत स्मूथ है। मैंने अभी तक एक्सेलरेट करा नहीं, सिर्फ मैंने क्लच एंगेज करा था, क्लच छोड़ा और गाड़ी अपने आप ही, और स्टीयरिंग तो देखो कितना स्मूथ है। एंड कंपेयर टू अदर डीजल कार, इसके अंदर वो नॉइज भी नहीं है जितना आप कहते हैं ना कि एक डीजल कार आवाज करती है, वो आवाज बिल्कुल नहीं है। मतलब है, डीजल के अंडर है, बट इतनी नहीं है। इन कैबिन तो नहीं है, बाहर होगी, बट इन कैबिन आपको वो महसूस नहीं कराती है टोयोटा। सो इसलिए कहते हैं भाई टोयोटा वर्ल्ड वाइड कंपनी ऐसी नहीं जानी जाती। और आप देखो गियर की स्मूथनिंग भी देखना। ये हो गया, थोड़ा सा रफ एरिया आता है, सस्पेंशन चेक, नॉइस, इस सर्टेन एरिया में तो अभी तक कोई नॉइस नहीं है। और अब चेक कर लेते हैं इसका थोड़ा पिकअप एंड ब्रेक, एंड वी स्टार्ट द एक्सेलरेशन। सो पिकअप भी इतना बुरा नहीं है, जिस हिसाब से इंजन इसका साइज है उस हिसाब से भाई पिकअप बहुत अच्छा है। एंड 92,000 किलोमीटर के बाद भी इतना अच्छा, बिल्कुल मतलब नया जैसा। टर्न ले लेते हैं, एंड एक सेडान होने के बाद लेट मी एंगेज बेल्ट, लगा लूँ ये आवाज, सेफ्टी फीचर। या एक सेडान होने के बाद है ना, कोरोला का इस सर्टेन कह सकते हैं कि एक टर्निंग रेडियस है बहुत छोटा है। मैं आपको उसका भी एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जितनी लंबी कार है उसके हिसाब से ना इसका टर्निंग रेडियस। जस्ट चेक इट आउट, हम ये वन लेन टू सेकंड लेन करेंगे, उसको क्रॉस नहीं होगा, एज टू एज। ये इसका टर्निंग रेडियस था सी। सो कार है ना, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सेडान के अंदर। अगर मेरे को कोई कहे ना कि सर आपका बजट के हिसाब से आपको कार कौन सी अच्छी लगती है, मैं डेफिनेटली टोयोटा कोरोला ऑल्टिस पे जाऊंगा। अब कार डिसकंटिन्यू हो गई है, बट जब तक थी, जब तक इसने अपनी मार्केट में राज करा था और लग्जरी कार को काफी परेशान भी करा था, क्योंकि जो बजट लग्जरी कार ये देती थी, मैं आपको पीछे से और एक बार चेकआउट करा देता हूँ और एक बार आपको बाहर की नॉइस भी सुनाता हूँ। जो मैं कह रहा था कैबिन में इतनी साउंड आती है, बट बाहर इतनी नहीं आती है। थोड़ी बहुत आवाज है वो फैन की है, अंदर कैबिन में भी नहीं है, बाहर भी इतनी नहीं है जितनी मेरे को लगा था। अब पीछे चलते हैं, स्पेस आगे वाली सीट फुल पीछे है, 5'11" मेरी हाइट है, और उसके हिसाब से भी ना ये देखिए लेग, मतलब मेरे को ये ऐसे नहीं हो रहे, जस्ट टच, वो भी सीट कवर से टच है, तो स्पेस के लिए तो भाई बेस्ट है, स्पेस तो है ही। साथ में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, उसके साथ दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और लाइट्स की कमी तो अंदर या बाहर है ही नहीं। पीछे आपको दो रीडिंग लैंप मिल जाते हैं, बीच मिडल में आपको मिल जाते हैं, और फ्रंट में तो मिल ही जाते हैं। ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिल जाता है, और पीछे से लुक देखो। हाँ, एक सबसे अच्छा चीज़ है इसके अंदर, जो शायद ही कोई और कार आपको की उठा लेते हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टिस ही ऑफर करती है टोयोटा। इसको ओके करते हैं, वॉल्यूम कर देते हैं कम। सबसे अच्छी चीज इसका स्टीरियो में जो मुझे लगता है, जो कि कंपनी प्रोवाइडेड एज यू सी टोयोटा
दिस वन एंड आप इसको टिल्ट कर सकते हो लाइट के हिसाब से कि आपको इसमें वीडियो या आपको लाइट कम लग रही है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये ओपन होकर इसका डिस्क इनसाइड करने। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो टोयोटा देती है। आफ्टर मार्केट तो आपको कुछ भी मिल सकता है बट कंपनी से आपको और कुछ नहीं देती ऐसी। अब आप इसको वापस कर सकते हैं, डिस्प्ले क्लोज्ड। ये कुछ इसका है ना, मतलब बात बताई थी मैंने लग्जरी हम बात करेंगे तो चीज ऐसी है भाई जबरदस्त। सो कर लेते एक बार कार को ऑफ एंड करते हैं इसके प्राइस के बारे में थोड़ा डिस्कस और क्या डील रहेगी, क्या सब कुछ है। सो डील की बात करें तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ब्रीफिंग कर देता हूँ डिटेल्स। और डील 2017 मॉडल है, GL वेरिएंट है, डीजल है, मैनुअल है, HR 26 रजिस्टर्ड है, यानी कि गुड़गांव रजिस्टर्ड है कार का जो रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी की आस्किंग बहुत ही मतलब मिनिमम सी है अकॉर्डिंग टू कार प्राइस एंड कार मार्केट। हमने कार की प्राइसिंग रखी हुई है 9,80,000 ओनली। आप कार की कंडीशन देखो, सब कुछ देखो, फटाफट से आओ। जो इस कार को चाहता है कि ये कार अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम बजट फ्रेंडली कार मेरी हो जाए, क्योंकि टोयोटा है तो मेंटेनेंस तो आप भूल ही जाइए। सो डिटेल्स में सारे आपको इसके डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, गाड़ी डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगी। फटाफट से जाएं कॉन्टैक्ट करें ऑटो एम्पायर, क्योंकि हमारा तो लोगो ही है ऑटो एम्पायर द ट्रस्टेड मार्केट प्लेस। एंड यहाँ तक वीडियो देखिए गाइज, अच्छी लगी है, कुछ अच्छा जानने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।